तो हेलो, तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हमने बनाया हुआ है ब्रेड उपमा, जो कि देख सकते हैं आप लोग। यह बहुत ही चटपटा है और आप लोग ज़रूर बनाने का ट्राई करिएगा घर पे। तो फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए थे और मैंने करीब 6 या 7 ब्रेड लिए हुए थे और मैंने उसमें से एक ब्रेड में से चार चार टुकड़े कर लिए हुए थे। तो फिर उसके बाद से मैंने बटर डाला हुआ है 1 चम्मच और फिर उसमें मैंने राई डाल दिया हुआ है। जब हमारा बटर मेल्ट होने के बाद ही मैंने राई डाला हुआ है और जब हमारा राई अच्छे तरीके से थोड़ा सा चटकने लगे तो फिर हम उसके बाद से हम आगे का डालेंगे। तो देखिए अभी हमारा राई बिल्कुल अभी हो रहा है, तो अब हमारा राई चटकने लगा है। तो फिर उसके बाद से हम उसमें कटी हुई हरी मिर्च डाली हुई है। मैंने हरी मिर्च को बीच में से कट कर लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं कट किया है मैंने, बीच एक एक हरी मिर्च में से बीच में से कट कर लिया हुआ था। तो देख सकते हैं, फिर देखिए हमारा जब थोड़ा सा ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद से मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिया हुआ है, जो कि मैंने इसे 2 पीस लिए हुए थे प्याज मीडियम साइज़ के। और फिर देखिए हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे, ज़्यादा नहीं इसे पकाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन कलर में आ जाए। तो फिर उसके बाद से मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया हुआ है। तो देखिए हम शिमला मिर्च को भी चला लेंगे, चला चला कर मैंने इसे 3 मिनट तक करीब मैंने इसे अच्छे तरीके से पकाया हुआ है। और फिर उसके बाद से हमने डाला हुआ है टमाटर, जो कि मैंने इसे 2 टमाटर लिए हुए थे, मैंने इसे भी बारीक कट कर लिए थे। तो देखिए मैंने इसे टमाटर को डालकर हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छे तरीके से हो ना जाए। तो मैंने इसे 3-4 मिनट तक पकाया हुआ है। तो देखिए हमारा जो टमाटर है बिल्कुल हो चुका है। तो फिर उसके बाद से हम मैगी मसाले डालेंगे, आप इसकी जगह कोई और भी मसाले डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने मैगी मसाला मैंने 1 चम्मच लिया हुआ था और फिर उसके बाद से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई थी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये तीखी भी नहीं लगती है, बस हल्का सा कलर आता है। तो फिर उसके बाद से हमने इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला हुआ है, बिल्कुल स्वाद अनुसार आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। तो देखिए हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैंने करीब आधा कप पानी डाला हुआ था। फिर हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे और जब तक कि हमारे मसाले में अच्छे तरीके से उबाल ना आए। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिल्कुल उबाल आने लगा है। तो फिर इसके बाद से हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डाले थे जो कट किए थे। तो देखिए हम इसे डाल देते हैं, तो डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो ब्रेड उपमा है वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल चटपटा सा, जो कि देख सकते हैं आप लोग। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे बनाने के लिए और हमारे कमेंट में ज़रूर करिएगा कमेंट भी। तो देखिए अगर आप लोग को ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।